वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट ज्ञान। और आज मैं लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जो कि है इंडिया की सबसे बेस्ट जॉब यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस एंड इंडियन फॉरेस्ट एग्जामिनेशन आईएफएस 2018। ओके, सो नोटिफिकेशन निकल चुका है और एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है और लास्ट डेट क्या है इसको अप्लाई करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होनी है आपकी 7 फरवरी 2018, ठीक है, 7 फरवरी 2018 से इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। देन आपकी जो लास्ट डेट होनी है वो है 6 मार्च 2018, मतलब 6 मार्च 2018 को इसकी लास्ट डेट है फॉर अप्लाई करने की एंड लास्ट डेट है फॉर एग्ज़ाम फीस पे करने की। ओके, तो दोनों की ही लास्ट डेट रखी हुई है 6 मार्च 2018। अब हम देख लेते हैं जो प्री एग्ज़ाम है। तो आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो होना है आपका 3/6/2018, मतलब आपका जून में इसका प्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है, प्रीमली होगा, देन उसके बाद आपका मेन एग्ज़ाम होगा। और वैसे भी मैं सारे यूपीएससी का एक कैलेंडर आपको डाल चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं सरकारी जो भर्तियां मैंने डाली हैं 2017 की, उसके अंदर मैंने यूपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं ईयर 2018 में उनका सारा कैलेंडर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। ओके, देन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्टली जो क्वालिफिकेशन है आईएएस के लिए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन ऑफ आईएएस एग्जामिनेशन। ओके, सो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ओके, सो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में आपका कोई भी एक पर्टिकुलरली इन्होंने नहीं मांगा है कि आपका ये होना चाहिए। सो बैचलर डिग्री, ठीक है, इन एनी स्ट्रीम यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। देन आईएफएस के लिए जो आईएफएस है मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपके पास एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी का होना चाहिए, साइंस का, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी, आर्ट और एग्रीकल्चर। ओके, देन एग्ज़ाम फी देख लेते हैं। सो जनरल और ओबीसी के लिए आपका 100 रुपीज़, एससीएसटी और पीएच यानी कि डिसेबिलिटीज़ उनके लिए 0 एंड ऑल कैटेगरीज जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी 0 फीस है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं पे एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड। तो ठीक है, तो आपको जो एग्ज़ाम फीस पे करनी है वो आप कर सकते हैं आपकी जो भी हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालन से भी आप डायरेक्टली इसकी एग्ज़ाम फ़ी पे कर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो है आपकी 21 ईयर्स, मैक्सिमम होगी 32 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन जो होगा एक्स्ट्रा जो भी एज रिलैक्सेशन होगा एससी के लिए या ओबीसी के लिए या अदर्स जो हैं उनके लिए आपका गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। ओके, टोटल पोस्ट जो हैं वो 892 पोस्ट हैं और इनमें जो आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस के लिए हैं 782 पोस्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए हैं 110 पोस्ट। ओके, सो और आपको करना है अप्लाई ऑनलाइन, वो भी www.upsc.gov.in जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट आपकी 6 मार्च 2018, प्री एग्ज़ाम आपका 3 जून 2018 को होगा। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप डायरेक्टली इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।